देश भर में दीपावली की तैयारी शुरू हो चुकी है और आपने भी धनतेरस की प्लानिंग कर ली होगी। धनतेरस पर माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है। धनतेरस पर खरीदारी करने का भी विधान है। इस दिन सोना चांदी घर या वाहन खरीदना शुभ माना जाता है, पर सवाल है कि धनतेरस के दिन किस समय खरीदारी की जाए, यानी कि धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए लोकलिटी ने देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल से खास बातचीत की है। उन्होंने इस बारे में क्या क्या बताया, आइए जानते हैं। 29 अक्टूबर को पूरे देश में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस का खास महत्व है उस दिन वस्तु खरीदना, सोना चांदी वाहन इत्यादि खरीदना। तो उसका मुहूर्त स्थिर लग्न, स्थिर लग्न जब हो उसी मुहूर्त में खरीदें और स्थिर मुहूर्त में सोना चांदी निश्चित रूप से खरीदारी कर सकते हैं। वाहन जमीन भी खरीद सकते हैं उस दिन। यदि जमीन का बात हो गया तो जमीन का सट्टा बहना भी आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसका शुभ मुहूर्त जो है स्थिर लग्न, सबसे पहला जो है वृश्चिक लग्न स्थिर होता है प्रातः 7:50 से 10 बजे तक। ये पहला मुहूर्त हो गया, 7 बजे से 10 बजे तक आप खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा लग्न है कुंभ स्थिर होता है 2 बजे से 3:30 बजे दिन में आप खरीदारी कर सकते हैं। और तीसरा मुहूर्त है सायं 6:36 से 8:32, यानी 2 घंटे का समय शाम के समय होता है। प्रदोष काल का मुहूर्त जो होता है सबसे सर्वोत्तम माना जाता है खरीदारी का। यानी कि इस साल धनतेरस पर 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। पहला मुहूर्त सुबह 7:50 से लेकर 10 बजे तक है, ये वृश्चिक लग्न है। दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक है, जो कि कुंभ लग्न है। वहीं तीसरा शुभ मुहूर्त शाम 6:36 से लेकर 8:32 तक है, जो कि प्रदोष काल है। इन तीनों समय में खरीदारी करना शुभ माना जाएगा, यानी धन के साथ साथ सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। तो प्रदोष काल में आप खरीदारी करें और खरीदारी के साथ उसको स्थिर लग्न में घर ले आए, घर में ला करके उसका पूजा करें। आपके घर में समृद्धि के साथ उस वस्तु से सकारात्मक ऊर्जा घर में आएगा, जो आपको कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। धनतेरस पर खरीदारी करना ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सकता है। ऐसे में इस धनतेरस की तैयारी पहले से ही शुरू कर ले। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकलिटी।